नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, सुबह का टाइम है और ये भिंडी और टमाटर काट लिए हैं। आज बनेगी भिंडी की सब्जी। तो तेल डाल के कढ़ाई में प्याज भून रही हैं। थोड़ी प्याज भून गई हैं तो उसके बाद डाल दिए हैं टमाटर। और देखिए, थोड़ा टमाटर को भी भूनेंगे और ये अच्छे से भुन जाएंगे धीरे धीरे। तो इसके बाद हम डालेंगे सब मसाले। और देखिए, मिर्च हमारी ख़त्म हो गई है तो आज हम मिर्च भी सुखाएंगे और उसके बाद कूटेंगे। ये है धनिया। धनिया भी मसालदानी में खाली हो रहा था डब्बा, तो ये भी भर लिया है। और मिर्च तो है ही नहीं जैसा कि मैंने बताया, और अब डाल दिया है धनिया। तो इसको थोड़ा चला लेंगे। और इसके बाद भिंडी डाल के सब्जी भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। और मैं बना रही हूँ अब मक्का की रोटी। तो देखिए, मक्का की रोटी मैं सेक रही हूँ और इसके बाद लगाएंगे हम भोग। थोड़ी खड़ी करके मक्का की रोटी सेकते हैं तो इसके किनारे विनारे सब अच्छी तरह से सिक जाते हैं, कहीं से भी कच्चे नहीं रहते हैं। तो देखिए किस तरह से रही हूँ मैं रोटी को सेक, तो ये बहुत अच्छे से सिक जाती हैं, तभी मक्का की रोटी अच्छी लगती हैं। तो देखिए, रोटी मेरी एक सिक गई है। और सबसे पहले भोग लगाएंगे, तो माता जी लगा देंगी भोग। और इसके बाद खाएंगे बाऊजी, क्योंकि बाऊजी ही हमारे यहाँ घर में सबसे पहले खाते हैं। तो मम्मी जी गई हैं भोग लगाने। और अब देंगी बाऊजी के लिए खाना, तो खाना तैयार है। और इसके बाद ये ली है आज मैंने सब्जी। सब्जी बड़ी अच्छी है, ताज़ी ताज़ी। गोभी भी अब ताज़ी आ रहा है, और आलू और प्याज तो सब मैंने धो के सब्जी रख दी है। और ये मिर्च मैंने सुखाई है, तो थोड़ी इनमें धूप लग जाएगी तो इनको मैं फिर इनके डंठल तोड़ के और साफ़ करके इनको पीसूंगी। और ये है सौंठ, तो सौंठ भी घर में ज़रूरत पड़ती ही रहती है, क्योंकि ये सौंठ की थोड़ा रात को ले लेते हैं तो बहुत ही अच्छी रहती है, दर्द वर्द में भी और वैसे भी खाना वाना पचने में। तो दूध से ले लेनी चाहिए, दूसरे तीसरे दिन हम तो लेते हैं। और ये है लाहौरी नमक, हम खाते हैं लाहौरी नमक, तो इसको मैं कूट लूँगी। और ये काला नमक बाज़ार से लाने में तो थोड़ा इतना अच्छा नहीं मिलता जितना घर का पिसा होता है। और ये मिर्च भी मैंने साफ़ कर ली है, डंठल उठल तोड़ के सब। गर्मी बहुत पड़ रही है तो मिर्चों से बाद में मैं कूट के ही हाथ वाथ साफ़ करूँगी, क्योंकि हाथों में बहुत जलन हो जाती है मिर्च से। और ये देखिए, ये शिवाय चौधरी भी यहाँ पे खेल रहे हैं। तो अब सबसे पहले मैं देखिए सौंठ को सबसे पहले कूटूंगी। मैं सौंठ को कूट रही हूँ और इसके बाद मैं मिक्सी में पीसूंगी। थोड़ा थोड़ा इसमें मैं कूट लूंगी इमामदस्ते में।
गुलाब पे बड़े अच्छे अच्छे फूल आ रहे हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। और सौंठ मेरी कुट गई है, उसके बाद कूट रही हूँ मैं नमक, जो लाहौरी नमक है। ये बहुत ही टाइट कूटता है, इसको मैं थोड़ा थोड़ा इसमें कूट के बाद में इन सभी को मिक्सी में पीसूंगी। तो देखिए मैंने तीनों ही चीज़ कूट ली हैं और अब मैं इनको पीसूंगी। तो सबसे पहले सौंठ को ही पीसूंगी, उसके बाद नमक, और नमक के बाद मिर्च। सौंठ में से धसक बहुत उड़ती है और मिर्च में से भी। तो देखिए सौंठ मैं पीस के छान रही हूँ, और इसमें से जो ये थोड़ा ऊपर निकलेगा इसको कर लूँगी मैं डब्बे में, इसको फेंकूँगी नहीं। तो ये चाय वाय में डाल लेंगे, चाय में अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा ये ऊपर रह जाता है बिगर पिसा, तो इसको चाय में डाल लेंगे। ये मैंने अलग कर दिया। घर में काफ़ी सारे काम हो जाते हैं ऐसे ही, कभी कुछ कभी कुछ, कभी मसाले पीसने और कभी गेहूँ साफ करने, ये तो चलता ही रहता है। तो देखिए ये मेरी पिस गई है सौंठ, अब ये कर ली है मैंने कटोरी में अलग, इसको डाल लेंगे चाय में। अब पिसेगा लाहौरी नमक, तो देखिए लाहौरी नमक भी पीस के मैंने डब्बे में भर लिया है। और इसके बाद काला नमक पीसूंगी, तो देखिए काला नमक भी पिस गया है, एक बार और पिसेगा बस। और इसके बाद अब पिसेंगे मिर्च। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।